लोकतंत्र में हमने जनता को जनार्दन का स्वरूप माना है, हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है। और मैंने इस बात को देखा है, मैं 1998 से सक्रिय रूप से सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूं, एक सांसद के रूप में। विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री और विधान परिषद सदस्य के रूप में, और इस 18वीं विधानसभा में मैं भी आपकी तरह एक नए सदस्य के रूप में आपके बीच में आया हूं, तो स्वाभाविक रूप से एक विधायक के रूप में भी मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि एक जनप्रतिनिधि अपना जीवन जितना व्यवहारिक बना ले, जनता के साथ उसका संवाद जितना अच्छा होगा, साथ साथ वह जिस मजबूती के साथ ईमानदारी पूर्वक जनता की समस्या के लिए प्रयास प्रारंभ करेगा, जनता की अपेक्षाओं पर वह उतना ही खरा उतरता हुआ दिखाई देगा। नकारात्मकता किसी जनप्रतिनिधि को कभी आगे नहीं बढ़ा सकती, कभी नहीं। मैंने हमेशा देखा है, मैं इस चुनाव में भी देख रहा था, एक मान्य सदस्य थे, वह छोटी छोटी बातों को लेकर धरना प्रदर्शन करते थे, जाम करते थे, विकास की कोई योजना आती थी तो भी धरना प्रदर्शन शुरू होता था। और मैं इस चुनाव में जब रिजल्ट जिस दिन आ रहे थे, मैंने कहा यार उस विधानसभा का थोड़ा रिजल्ट दिखाओ, पता लगा वो 4थे नंबर पर थे। आप देख सकते हैं जनता कितनी जागरूक है, उसे मालूम है लोकतंत्र में जनता को जनार्दन का स्वरूप वैसे ही नहीं माना गया है, उसे एक एक गतिविधि की जानकारी होती है। और गतिविधि की जानकारी किस रूप में होती है, विधानसभा की हमारी कार्रवाई चल रही है, हम में से ज्यादातर लोगों में होड़ क्या लगती है कि हम जिस रूप में अपनी बात को कह दें बस एक बार प्रोसीडिंग का हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन याद रखना, अगर आपकी बात नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो जनता भी उसको नकारात्मक भाव के साथ ही लेती है, उसका कोई क्रेडिट आपको नहीं मिल पाता है, बल्कि आपकी एक खराब छवि प्रस्तुत होती है। और अगर हमारे भाव सकारात्मक हैं, प्रदेश हित में है, देश हित में है, जनता के हित में है, लोक कल्याण के हित में है, तो जनता भी उसे उसी भाव के साथ लेती है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता जी उनसे, कुछ भी नहीं छुपा रहता है। और इसलिए एक सकारात्मक भाव के साथ कार्य करते हुए जब हम जन अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं तो जनता हमें बार बार समर्थन देती है। और जिस मुद्दे को आप सकारात्मक भाव के साथ उठाते हैं उसका परिणाम भी उसी प्रकार से सकारात्मक रूप से मिलता हुआ दिखाई देता है।